ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध हथियार और बाइक बरामद की है। कोतवाली बादलपुर का ये पूरा मामला है, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थाना बादलपुर के पास एक सूचना थी कि एक क्रिमिनल है जो कि इस एरिया में एक्टिव है, जिसको लेके शाम से ही सर्च और कॉम्बिंग और चेकिंग चल रही थी। इसी सर्च ऑपरेशन में एक व्यक्ति को दौरान पुलिस मुठभेड़ अरेस्ट किया गया है। जो शुरुआती तथ्य सामने आए हैं उसमें यह पता चला है कि इसका नाम अभिषेक राजपूत है। ये गाजियाबाद से गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था। इस पर अन्य भी कई मुकदमे दर्ज हैं जिनकी जानकारी करी जा रही है। पूरे प्रकरण में बाकी विधिक कार्रवाई प्रचलित है।